गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, फाइंड dy बाई dx इन साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। इट मीन्स कि अगर dy बाई dx फाइंड करना है, इट मीन्स कि हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन करते वक्त हम वो लिख देंगे, राइट। तो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेटली। तो डिफरेंशिएट हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन का करेंगे, लेफ्ट और राइट। इट मीन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। देखिए डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड भी करा, डी बाई डी एक्स राइट साइड भी करा, क्लियर। अब देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ अप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई ब्रैकेट में लिखा, साथ में डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यहाँ पर भी अप्लाई करा, ब्रैकेट में लिखा पाए। अब मैंने डी बाई डी एक्स पहले फर्स्ट टर्म के साथ लिखा, ये लिखा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, फिर डी बाई डी एक्स किसके साथ लिखा, सेकेंड टर्म जो कि कॉस एक्स वाई है, यहाँ लिखा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई। अब मैं बताना चाहती हूँ कि डी बाई डी एक्स अगर हम पाई का करते तो पाई के साथ एक्स है क्या, नहीं। इट मीन्स पाई हमारे लिए क्या हो गई, कॉन्स्टेंट टर्म। और डिफरेंशिएट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है, ज़ीरो। यहाँ लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म इज़ ज़ीरो, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म का जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ पाई कितना हो गया, ज़ीरो, राइट। अब हमें इन दोनों का डिफरेंशिएट करना, तो देखिए साइन स्क्वायर वाई, इट मीन्स ये क्या हो गया, साइन वाई का होल स्क्वायर, राइट। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले किसका होगा, पावर का। पावर का जब हो जाए उसके बाद हम किसका करेंगे, साइन का, क्लियर। तो देखिए कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर वाई, इसका कर रहे हम, राइट। तो देखिए डी बाई डी एक्स हम इसका कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन यहाँ पे काई में गिवन है, वाई में गिवन है, राइट। वाई में गिवन है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, डिवाइड में वाई चाहिए, नहीं तो अगर अदरवाइज अगर हम वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि वाई क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई, इसलिए हम क्या करेंगे, डी वाई से इंटू डी वाई से डिवाइड, राइट। अब न्यूमरेटर पार्ट हमने एज इट इज़ लिखा, डी साइन स्क्वायर वाई और डी वाई, राइट। आपस में इन दोनों की पोजिशन चेंज कर रही, यहाँ लिख दिया डी वाई, यहाँ लिख दिया डी एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर हो गया आपका फाइनली डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए किसका कर रहे, d अपॉन में dy, y वाई के रिस्पेक्ट में। तो देखिए पहले किसका हुआ, पावर का, कितना हो जाएगा, 2 साइन y, क्योंकि होल पावर है, साइन इस साइन y का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 साइन y। अब आगे हम करेंगे साइन y का, तो साइन y का कितना हो जाएगा, cos y, राइट। मतलब फाइनली कितना हो गया हमारे पास, पहले पावर का करा तो 2 साइन y, फिर साइन वाई का करा तो कोस वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है, मतलब पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएट हो गया हमारे पास 2 साइन वाई कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास कितना है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉस एक्स वाई, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट, राइट। तो देखिए जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कॉस का करेंगे, राइट, फिर उसके बाद ब्रैकेट का करेंगे, राइट। तो देखो कॉस का डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस साइन, तो यहाँ हमने लिखा माइनस साइन, और ये फंक्शन जो था वो हमने एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट टाइम अब किसका होगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, फंक्शन का। तो फंक्शन में आप देख रहे हैं कितने फंक्शन है, 2, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जब फर्स्ट का डिफरेंशिएट होगा तो सेकेंड एज इट इज़, प्लस सेकेंड का होगा तो फर्स्ट एज इट इज़। तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज़ है, यहाँ पर डी एक्स अपॉन में डी एक्स तो वाई एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स तो एक्स एज इट इज़, क्लियर। अब देखिए माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज़ इन ब्रैकेट,
ये इससे कैंसिल, कितना बच रहा है वाई एक्स एज इट इज़, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब एक बार साइन वाई का मल्टीप्लाई इस वाई के साथ, तो देखिए माइनस साइन एक्स वाई इंटू में वाई प्लस माइनस 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 साइन इन ब्रेकेट एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली इसका आंसर कितना आया, इसका ये जो मल्टीप्लाई में है वो आगे आ गया माइनस के साथ, माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये सेकेंड पार्ट का है। तब हमारे पास ये वैल्यूज़ हम कहाँ पुटेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दे दोनों से। तो देखिए इक्वेशन नंबर अब हम वन में पुटअप कर रहे, जो कि ये इक्वेशन थी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई के आंसर कितना था, इतना था टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स किसका है, डी बाई डी एक्स किसका है, कॉस एक्स वाई का आंसर कितना है माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी, टू साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस वाई साइन एक्स वाई, फिर अगेन प्लस माइनस माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ब्रेकेट को हमने ओपन कर दिया। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कितनी है हमारे पास, दो दिस एंड दिस, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है क्या, नहीं। तो ये टर्म जब राइट साइड जाएगी तो अभी काय की है माइनस की, तो राइट साइड गई तो देखिए काय की हो गई प्लस की, तो दो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हमने लेफ्ट साइड ही रहने दी, एक तो टू साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में ऑलरेडी क्या हो गया वाई साइन एक्स वाई। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में कितनी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स की, दो, तो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से ये हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो हमारे पास कितना बचा टू साइन वाई कॉस वाई, और यहाँ कितना बचा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इक्वल में कितना है बाय साइन इन ब्रेकेट एक्स वाई। क्लियर। अब हमारे पास ये बचा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा के पूरा कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, राइट। अभी इंटू में कहाँ गया, डिवाइड में, तो डिवाइड में गया तो कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय टू साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, राइट। अब आप ये वाली जो टर्म देख रहे हैं ये क्या है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू एक्स का, तो यहाँ पे टू साइन वाई कॉस वाई है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन टू वाई का। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। थैंक यू।